दिवाली पर करें श्री सूक्त का पाठ, महालक्ष्मी पूरी कर सकती हैं सभी इच्छाएं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के साथ ही श्री सूक्त का पाठ भी किया जाए तो पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। श्री सूक्त माँ लक्ष्मी की आराधना की वैदिक स्तुति है, यह ऋग्वेद में दी गई है। मान्यता है कि श्री सूक्त का पाठ एक ऐसी साधना है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, यानी इस पाठ से मनोकामना पूर्ति की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दिवाली के अलावा सामान्य दिनों में भी श्री सूक्त का पाठ किया जा सकता है। श्री सूक्त संस्कृत में है जिसका पाठ कर पाना सभी से संभव नहीं हो पाता है। संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है तो हिंदी में भी इसका पाठ किया जा सकता है। श्री सूक्त हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्ण रजतस रजाम चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात्वे दो मयावय। हे अग्निदेव, आप मेरे लिए उस लक्ष्मी देवी का आवाहन करें जिनका वर्ण स्वर्ण कांति सोने की चमक के समान है, जो स्वर्ण और रजत की मालाओं से अलंकृत हैं, जो परम सुंदरी हैं, गरीबी का हरण करती हैं और जो चंद्र के समान स्वर्णिम आभा से युक्त है। तमयावय जात्वे दो लक्ष्मी नपगामिनीम यस्या हिरण्यम विंदेयंगामश्वम पुरुषानहम। हे जात्वेदा अग्निदेव, आप मेरे लिए उस लक्ष्मी को बुलाए जो समस्त जगत में प्रसिद्ध है, वापस नहीं लौटती है, सदा साथ रहने वाली है, जिनके आगमन से मैं स्वर्ण और अश्व बंधु बांधव पुत्र पौत्र को प्राप्त कर सकूं। अश्वपूर्वा रथमध्या हस्तिना प्रमोदिनीम श्रीयम देवी मुक्तमये श्रीमा देवी जुस्ताम। जिस देवी के आगे और मध्य में रथ है, यानी जिसके सम्मुख घोड़े रथ से जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हथियों की आवाज से संसार को प्रफुल्लित करने वाली प्रकाशमान और सभी को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। प्रकाशमान और सबकी आश्रय दाता महालक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करें। सोस्मिता हिरण्य प्राकारा मार्दना ज्वलंती कृत्ता तर्पयंतीम पद्मे स्थिता पदम वर्णा तामिहोत्थमये श्रियम। जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण लक्ष्मी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जो मंदमंद धनसती है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है, भक्तों पर दया करने वाली प्रकाशमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के जैसे घर में निवास करने वाली जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रा प्रभासा यशसा ज्वलंती श्रियम लोके देवजुष्टा मुद्राम हा पद्मिनी मी शरणम प्रपथे अलक्ष्मीर में नश्यता तमाग्रेणे। चंद्रमा के समान प्रकाशमान सुंदर दिखने वाली अपनी कीर्ति से प्रकाशमान स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवों से पूजित अत्यंत दानशीला कमल के मध्य रहने वाली सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदाती जगत विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ, अतः मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति स्तव वृक्षोत बिल्वर तस्य फलानी तपसानुदंतु या अंतरायाश्चवाये अलक्ष्मी। हे सूर्य के समान कांति वाली देवी, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना फूल के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ, आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ, उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे अंदर और बाहर की दरिद्रता को नष्ट करे। उपैकुमा देवस्थ कीर्ति स्मरणिना सह प्रदुपुर तास्मी रास्त्रे अस्मिन कीर्ति मृद्विमं ददातु मे। हे लक्ष्मी, देवस्थ अर्थात श्री महादेव के सखा इंद्र कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, यानी मैं अग्निदेव की उपासना करूं। मणि के साथ यानी चिंतामणि के साथ या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति कुबेर की कोष्ठशाला या यश मुझे प्राप्त हो, धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे लक्ष्मी आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। शुद्धिपा सामला ज्येष्ठम लक्ष्मी नाश्याम्यहम अभूतिम समृद्धि च सर्वा निर्बुद्धि गृहा। भूख प्यास गंदगी को धारण करने वाली लक्ष्मी की बड़ी भंडारी व्रता को मैं दूर करता हूँ।
हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से क्लेश, गंदगी और धन की बाधाओं को दूर करें। गंधद्वारा दुराधर्षा नित्या पुष्टा करी शीर्णिम ईश्वरी सर्वभूतानातामिहोत्थमये श्रियम। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गो अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाली समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर परिवार में सादर बुलाता हूँ। मनसह कामाकुत्रवाचः सत्यं शीमहि पशुना रूपमन्नस्य मयि श्री श्रेता यशः। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा और संकल्प, वाणी की सत्यता, गाय आदि पशुओं से प्राप्त दूध, दही, घी, अन्न आदि सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, यानी मैं लक्ष्मीवान और कीर्तिमान बनूं। कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मात्रम पद्ममालिनीम। कर्दम ऋषि को लक्ष्मी का पुत्र माना गया है, इसीलिए हे कर्दम ऋषि, आप मुझ पर कृपा करो, यानी कर्दम ऋषि की कृपा होने पर माँ लक्ष्मी मेरे यहाँ निवास करेंगी। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करें, केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, बल्कि कमल की माला धारण करने वाली समस्त संसार की माता लक्ष्मी को मेरे घर में निवास कराओ। आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित्वस्मे गृहे नीचा देवी मात्रम श्रियं वास्य मे कुले। हे वरुण देवता, आप जल वर्षा से सुंदर और मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें, पदार्थों की सुंदरता ही महालक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिक्लीत और श्रित्य चार पुत्र बताए गए हैं। इनमें चिक्लीत से प्रार्थना की गई है कि हे लक्ष्मी पुत्र चिक्लीत, तुम मेरे गृह में निवास करो, केवल तुम ही नहीं बल्कि दिनगुण सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। आद्रा पुष्करिणी पुष्टपिंडगला पद्मालिनी चंद्रा हिरण्मयी लक्ष्मी जात्वे दो महावह। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में हाथियों की सूंडों से उठाए हुए कलशों से अभिषेक करने वाली, सभी जीवों का पोषण करने वाली, पीतवर्ण यानी पीले अंगों वाली, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूप लक्ष्मी को बुलाओ। आदाय करिणी अष्ट सुवर्णा हिमालिनी सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जात्वे दो महावह। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में भक्तों पर सदा कृपा बरसाने वाली, समस्त लोग जिसकी प्रार्थना करते हैं, जो दुष्टों को दंड देना वाली है, सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली, सूर्य के समान प्रकाशमान लक्ष्मी मेरे घर में बुलाओ। जात्वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्या हिरण्यम प्रभूतम कवो दास्यो अश्रुवान विन्देयम पुरुषान्हम। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ जगह विख्यात लक्ष्मी जो मुझे छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ। जिस लक्ष्मी से मैं स्वर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गाय, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि आदि प्राप्त करूं, यानी स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। यह शुचि प्रयत्तो भूत्वा जुहुया दाज्यमन्वहम सूक्तम पंचाक्षर च श्री कामर सत्तम जपेत। जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर हर रोज अग्नि में गाय का घी डालते हुए हवन करे और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करें।